हकीकत यह है कि देश के अंदर महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं, कॉलेज के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में एक ऐसा ही वाकया पेश आया, एक कॉलेज है, गार्गी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, प्रोग्राम चल रहा था और इसी दौरान कॉलेज का गेट खोलकर सैकड़ों की तादाद में लड़के और आदमी वहां पर पहुंचते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद अब यह मामला सुर्खियों में है, संसद में भी इसकी आवाज उठी, सड़क पर भी इसको लेकर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ लगातार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की बातें और दावे होते हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं, लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस में भी सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर लड़कियों के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की वजह से चर्चा में है। 6 फरवरी 2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़े पैमाने पर छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। आज संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी के मुद्दे को उठाया तो वहीं गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गार्गी कॉलेज दिल्ली में लड़कियों का एक प्रमुख कॉलेज है। 6 फरवरी को सिंगर जुबिन नौटियाल का प्रोग्राम कॉलेज में था और तभी 100 से ज्यादा बाहरी लोगों ने छात्राओं के साथ कॉलेज के अंदर घुसकर बदतमीजी की। 6 तारीख को हमारे कॉलेज में, एक्चुअली 4 तारीख से हमारे कॉलेज में फेस्ट था जो 3 दिन चला था लगातार। 6 तारीख को इट वॉज अ स्टार नाइट जिसमें जुबिन आ रहे थे। हुआ ये कि 6 तारीख को हमारे कॉलेज का गेट क्रैश हो गया एंड अराउंड आई थिंक 100 और मे बी मोर देन 100 मिडिल एज मैन, उन्होंने हमारा कॉलेज का गेट क्रैश करा एंड उन्होंने वो लोग डायरेक्ट गेट क्रैश करके वो लोग हमारे कॉलेज के अंदर घुस गए एंड जहाँ हमारा फेस्ट हो रहा था उस एरिया में उन्होंने एंटर करा एंड दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद गर्ल्स। मेरे फ्रेंड्स बता रहे कि उनका कमर पकड़ी गई, उन्हें एक जगह पे कवर मतलब घेर लिया गया और उनके साथ कुछ गलत हरकतें हुई है। गार्गी कॉलेज की छात्राएं अपने कॉलेज प्रशासन के रवैये से भी नाराज हैं, साथ ही वो प्रिंसिपल की बातों से भी नाराज हैं और प्रिंसिपल को हटाने की मांग अब यहाँ की छात्राएं कर रही हैं। कॉलेज प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग अस। उनका उल्टा जवाब भी ये था कि आपको अगर इतना अनसेफ फील होता है तो आप कॉलेज आते क्यों, आप फेस्ट ही क्यों आते हो, हम अपने कॉलेज में नहीं आएंगे। अब प्रोटेस्ट अभी चलेगा 2 दिन तक जब तक हमारी प्रिंसिपल हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती और अगर वो नहीं करेगी तो शी हैज टू रिजाइन, वी विल डिमांड हर रेजिग्नेशन। तो वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी छात्राओं से मिलने पहुंची। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने 4 दिन से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और कॉलेज प्रशासन भी चुप है, दिल्ली महिला आयोग इन्हें नोटिस देगा। प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनसे मैं मिली हूं और मुझे लगता है उनकी प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है क्योंकि 4 दिन हो गए हैं उनके साथ छेड़छाड़ हुई इसी गार्गी कॉलेज के फेस्ट के दौरान। बाहर से आदमी आए, कई संख्या में आदमी थे लेकिन अभी तक ना तो कोई FIR हुई है और ना ही कोई अरेस्ट हुआ है। तो दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू कर रहा है दिल्ली पुलिस को भी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि 4 दिन से चुप्पी क्यों बना के बैठे हैं। लड़कियां बता रही हैं कि जब उनके साथ छेड़छाड़ हो रही थी वहां पुलिस के जवान भी मौजूद थे, वहां पे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद था, तो फिर इतने दिन से चुप क्यों है, क्यों उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते। दिल्ली महिला आयोग ये इंश्योर करेगा कि वो जो भी आदमी थे जिन्हें लगता है कि वो कहीं पे भी घुस के लड़कियों को छेड़ेंगे और उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो हर हाल में अरेस्ट हो, ऐसा हम इंश्योर करेंगे। लोकसभा में सांसद गौरव गोगोई ने इस मुद्दे को उठाते हुए मानव संसाधन मंत्री से जवाब मांगा तो वहीं HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस पर कॉलेज प्रशासन से जवाब देने को कहा गया है। My question to the Honorable Minister is, what instructions has the Ministry given to institutions of higher education with respect to monitoring and supervision and resolution of cases of sexual harassment and bullying? And specifically, we've seen in the recent case in Gargi College how a festival for girl students became a very painful episode because so many males entered and harassed the girl students over there. So what steps will your ministry take so that the girls of Gargi College feel safe and reassured?
श्रीमंत जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं जो संज्ञान में आया है वो छात्र नहीं थे, कहीं बाहर के लोग वहाँ घुसे थे, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए उस कॉलेज के प्रशासन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दें। इन दोनों दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत चर्चा में है, कहीं पुलिस रिपोर्ट के बाद भी सब कुछ गलत देखते हुए भी कार्रवाई नहीं करती तो कहीं पुलिस छात्रों पर ऐसी कार्रवाई करती है कि वो सवालों के घेरे में आ जाती है। दिल्ली पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि दिल्ली से जाने वाला हर संदेश देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर लड़कियां अपने कॉलेज में ही सुरक्षित नहीं है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।